वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज आपके लिए मैं नीट 2023 की जो मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है, लेक्चर सीरीज चल रही है, क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें रोटेशनल मोशन के मैं जितने भी नीट्स AI PMT या एम्स में सवाल पिछले 20-25 सालों में आए हुए हैं उन सबको आपके सामने सॉल्व करके रख रहा हूँ, सो दैट कि आपकी रिवीजन एकदम बढ़िया से हो सके, सो दैट कि आप एग्ज़ाम में जब जाएं तो आप में उतना कॉन्फिडेंस लेवल हो कि आपने पुराने सारे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आज का सवाल भी आपको उसी चैप्टर से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए हैं, बिकॉज इसमें पेशेंस लगेगा। इसमें हमारे पास 45 नियर अबाउट न्यूमेरिकल हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप 2 मिनट या 3 मिनट भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 घंटे से 2 घंटे तक लग सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन कंजर्व इफ़। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है एल वैक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये कंजर्व कब रहेगा? सो इफ द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। सो ये कुछ ऐसी ही कंडीशन होती है कि जैसे हमारे पास न्यूटन लॉज में होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब रहता है? जब फोर्स की वैल्यू जीरो होती है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। उसी तरह से यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिलता है टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt का। तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा जब टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। सो अप्लाई टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? ए सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्युमिनियम। तो हमारे पास एक तो आयरन है और एक क्या है, एल्युमिनियम है। सो दैट इट एक्वायर मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इट इज़ पॉसिबल वैन। अब हम सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क कब फॉर्म है, तो मैं इसको एक डिस्क की रूप तरह बना लेता हूँ। तो डिस्क कुछ ऐसा होगा, तो इसमें ये इसका एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जितनी दूर दूर मास डिस्ट्रीब्यूट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। सो आप यहाँ से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तभी हो पाएगा अगर जो बाहरी वाला एरिया है ना वो किसका बना हो, आयरन का बना हो, क्योंकि आयरन इज हैवियर एज कम्पेयर टू द एल्युमिनियम, और बीच वाला एरिया किसका बना हो, एल्युमिनियम का बना हो। तो क्या आंसर आना चाहिए, एल्युमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग टू इट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए AIPMT 2003 क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास M, देखो क्या है, सर्कुलर रिंग है ऑफ मास M एंड रेडियस R इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, एक रिंग है हमारे पास इस तरह से, मास M है, रेडियस R है, और ये घूम रही है ओमेगा से। फिर कहता है, फोर ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास M आर कैप्ट जेंटली टू द अपोजिट एंड्स। सो हमने क्या किया, अपोजिट एंड्स, तो एक ये एंड हो गया और इसके पैरेलल एक ये एंड हो गया। सो एक ये एंड हो गया और इसके अपोजिट एक ये एंड हो गया। ठीक है, और ये इस तरह से, और सबका मास क्या है, m है, इस तरह से सबका मास m है। आर केप्ट जेंटली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ टू परपेंडिकुलर डायामीटर्स ऑफ द रिंग, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग विल बी। तब हमें यहाँ पर इसका एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब पहले भी तो वो ओमेगा से घूम रहा था, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। रिंग के लिए I1 क्या होगा, I1 तो होगा mr² इस तरह से, r स्मॉल है गिवन जो है आपको, mr² होगा। तो ओमेगा वन की वैल्यू आपको ओमेगा दे रखी है, सो ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा। अब I2 क्या होगा, I2 तो होगा जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr², एक तो ये हो गया, प्लस ये जो चार पार्टिकल्स रखे गए हैं उनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 4 times of mr² इस तरह से होना चाहिए। ठीक, अब इसको देखो कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
ये हो जाएगा m प्लस 4m आर स्क्वायर, दिस इज आई स्क्वायर, m प्लस 4m आर स्क्वायर, या सो दिस इज आवर सिचुएशन। सो i2 का वैल्यू भी हमें पता लग गया, I2 का वैल्यू भी पता लग गया, I1 का वैल्यू भी पता लग गया। चलिए इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखा जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एम प्लस फोर एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। तो यहाँ से देखो क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं, यहाँ से आप देखोगे ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, आपके पास रिजल्ट मिलेगा जो वो होगा m ओमेगा डिवाइडेड बाय m प्लस 4m इक्वल्स टू ओमेगा डैश। तो ये ऑप्शन आपके पास आना चाहिए। अब ये ऑप्शन कब आता है आपके पास, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। तो m ओमेगा डिवाइडेड सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, तो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। AIPMT 2003 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r। सो इस केस में हमारे पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर रॉड की तरह बिहेव करता है, रेडियस r रोल विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ l एंड हाइट h। तो इसमें क्या कहता है कि इस तरह से हमारी एक सिचुएशन है, एक सॉलिड सिलेंडर है इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। देखो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है और रेडियस r है, रोल विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ l एंड हाइट h, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर, हम एक ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह की सिचुएशन शो दैट कि हम इमेजिन कर सकें। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है ये ना, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है इस तरह से। तो फिर पूछा जाता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेज इट्स बॉटम। तो जब ये सिलेंडर यहाँ कहीं पहुँचेगा तो इसके पास कितनी स्पीड होगी। ए सिलेंडर ऑफ मास एंड रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ, दिस इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेज इट्स बॉटम। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जब ये सिलेंडर ए पोजीशन पे था और जब ये बी पोजीशन पे था, ये एच हाइट पे है, तो एच हाइट पे जब होगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच, और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर है। टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है रोटेशन वाले चैप्टर में क्या होती है, 1/2 mv² 1+k² / r² के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये होती है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब तो आपको पता लगना चाहिए। अब ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एक सिलेंडर के लिए क्या होगा, सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ना, तो ये आपको यहाँ पर देखना होता है। तो सिलेंडर एक डिस्क की तरह ही बिहेव करेगा ना, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पर होगी 1/2 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होगी। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी एच इज इक्वल टू 1/2 v² 1+k² / r² की वैल्यू को मैंने पुट किया है 1/2। तो ये हो जाएगा जी एच इज इक्वल टू 1/2 v², ये हो जाएगा 3/2। तो जब इसको देखेंगे 4 ये आ जाएगा 4gh/3 √ इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो ये थर्ड ऑप्शन आना चाहिए आपका, आई थिंक रूट ऑफ 4/3 gh, यस थर्ड ऑप्शन आ गया इसका आपका, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जो AIPMT 2003 में पूछा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, अगेन क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए बॉल रोल विदाउट स्लिपिंग द रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज के, आपको के वैल्यू गिवन है। इफ रेडियस ऑफ द बॉल इज आर देन द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हम सब ये दोनों वैल्यूज़ आपको लिखनी आनी चाहिए। कैसे लिखी जाएंगी ये देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलो थोड़ा सा मैं आसान कर लेता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन अटेम्प्ट करने के लिए स्पेस मैंने बना ली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगी दैट इज़ 1/2 mv² 1+k² / r² ये होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। और के रोटेशनल कितना होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 i ω² इतनी होती है, ठीक है। या फिर एक तो ये तरीका लिखा जा सकता है, या फिर क्या होती है, या फिर ये ऐसे भी लिखी जा सकती है 1/2 mv² k² / r² ऐसी भी लिखी जा सकती है, ठीक। अब हमें क्यों ये सब का, ये सब आपको बातें पता होनी चाहिए कि ऐसे क्यों लिखी जा सकती है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या लिख सकते हैं, mk² लिख सकते हैं, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v/r लिखा जा सकता है। इसलिए जब आप ये दोनों वैल्यूज पुट करोगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन दिख जाएगा। अब इनका रेशो लेना है, तो के रोटेशनल डिवाइडेड बाय के टोटल, जब हम इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा कुछ 1/2 mv² k² / r² ऐसा, और टोटल के लिए 1/2 mv² 1+k² / r² ऐसा। अब देखो ये 1/2 mv² 1/2 mv² ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई, सो क्या आ गया हमारे पास, तो मेरे पास जो थिंक समथिंग इज रॉन्ग हियर, ओके सो इसमें जब आप देखोगे k² / r² डिवाइडेड बाई 1+k² / r² ऐसा, तो इसको आप मल्टीप्लीकेशन की टर्म में लिखिए k² / r² ऐसा डिवाइडेड बाई r² + k² / r² ठीक। अब इस डिवीजन को जब आप मल्टीप्लीकेशन की टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, k² / r² मल्टीप्लाई r² / r² + k² r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, k² / r² + k² सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका फाइनल आंसर है कि नहीं है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आई थिंक ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, k² सो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया सबके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, इस बारी हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस, अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड ऑफ ए सर्कुलर रिंग इन द सेम ऑफ द सेम रेडियस अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग इज। तो हमें क्या क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें हम सबको पता है कि स्पेस थोड़ा बना लेते हैं इसके लिए, तो फिर इसका डिस्कशन करते हैं। देखो हम सबको पता है कि जो डिस्क होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² / 2 होगा, ठीक। उससे फिर हम क्या परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम से हम डायामीटर के अबाउट देखते हैं कि ये कितना होना चाहिए, मैं इसको I1 और I1 लिख रहा हूँ। तो I1 कितना होता है आप सबको पता होगा, 1/2 ऑफ I,
तो आई की वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाई टू, तो ये तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई फोर। ठीक, अब ये जो डायामीटर है, डायामीटर के पैरेलल चलेंगे तो टेंजेंट आएगा, डायामीटर के पैरेलल चलेंगे तो टेंजेंट आएगा, तो इसको आई वन डैश लिख रहा हूँ मैं। तो फाइनली हमें आई वन डैश निकालना था क्योंकि टेंजेंट पे निकालना था, तो आई वन डैश पैरेलल हमें अप्रोच लगानी है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से। सो इसको जब सॉल्व करेंगे ये दिस इज फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर। तो एक तो हमारे पास डिस्क के लिए तो ये आ गया, अब डिस्क के लिए पता लग गया, अब रिंग के लिए पता करना है। अब रिंग के लिए अगर मैं देखूं तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायामीटर होता है वो कितना होता है, देखो सेंटर पे तो होता है एम आर स्क्वायर, तो डायामीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, डायामीटर के अबाउट आपके पास हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, है ना, तो एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो फिर अब पैरेलल एक्सिस जो होगी उसके अबाउट कितना हो जाएगा, देखो मैं फिर से रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, तो चलिए मैं रिंग इस तरह से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये तो हो गया इसका डायामीटर ना, तो डायामीटर के अबाउट तो हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू, तो पैरेलल एक्सिस जो होगी यहाँ पर इसके अबाउट कितना होगा फिर, तो ये कितना डिस्टेंस है आर, रेडियस है, तो इसके अबाउट होगा इसको आई टू डैश लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा जो डायामीटर के अबाउट है प्लस एम आर स्क्वायर। सो आई टू डैश कैन बी रिटन एज थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, इस तरह से। अब क्या किया जाएगा, अब हम इनका रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सबको पता है कि क्या क्या पूछा गया है, किसका किसका रेशो पूछा गया है, रेडियस ऑफ गायरेशन का। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, यहाँ पर तो ये बैठेगा और यहाँ पर क्या बैठेगा, ये चीज़ बैठेगी, क्योंकि आर स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है। तो जब मैं लिखूँगा फिर कि के डिस्क का डिवाइडेड बाई के रिंग का, तो डिस्क के लिए तो लिखा जाएगा फाइव बाई फोर आर स्क्वायर जो कि यूजली होता है, और दूसरे के लिए थ्री बाई टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज के डी बाई के आर कैन बी रिटन एज। अब देखो क्या क्या टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो सकती हैं, यहाँ पर एम आर स्क्वायर, या सो आप यहाँ पर ये कुछ ऐसा आएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे रूट ऑफ फाइव बाई फोर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ थ्री बाई टू कैन बी रिटन एज, इसका फाइनल आंसर आपके पास आना चाहिए फाइव टू और फोर, या सो इट कैन बी रिटन एज रूट ऑफ फाइव बाई सिक्स, कुछ ऐसा आंसर आपके पास आना चाहिए रूट ऑफ फाइव बाई सिक्स। तो ये आई थिंक या ऑप्शन सेकेंड मिल गया हमें इसका, दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स का सोल्यूशन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है, ए राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज प्लेस्ड, तो डिस्क को रखा गया है इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी वी। तो हमारे पास एक डिस्क है, हमारे पास एक डिस्क है इस तरह से, और इसके ऊपर एक और डिस्क रख दी गई है ऐसे, चलिए समथिंग लाइक दिस। ठीक, एक और डिस्क रखी गई है, एक ये डिस्क है और एक ये डिस्क है, क्लियर हो गया। कहता है ए राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू, ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू है, ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। जो I2 वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आप देख सकते हैं ये I2 परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर इज प्लेस्ड ऑन द डिस्क रोटेटिंग विद एंगुलर, सो जो I1 वाली है वो एंगुलर मोमेंटम ओमेगा से रोटेट कर रही है, इस तरह से ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क, तो इनका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछा गया है कि क्या होगा, तो इसके लिए हमें
कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इक्वेशन होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या होगा, एल इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू, ऐसे लिखा जाएगा। अब एल वन कितना था पहले, है ना, तो ये तो था आई वन ओमेगा, और इनिशियली एल टू कितना था, ज़ीरो था, और बाद में ये होगा आई वन प्लस आई टू एंड ओमेगा डैश, कि ये पूरा सिस्टम एक ओमेगा डैश से घूम रहा है, दोनों जब कंबाइंड चले जाएंगी, तो यहाँ से ओमेगा डैश कितना आ जाएगा, आई वन अपॉन आई वन प्लस आई टू एंड ओमेगा, इस तरह से आपके पास या ओमेगा या दैट्स द आंसर। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं, आई वन ओमेगा, आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है, थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक, तो ऑफ साइड एल एज शोन इन द डायग्राम, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए लाइन ए एक्स, सो दिस इज ए एक्स, यू कैन सी दिस इज ए एक्स, इस एक्सिस के अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तीनों पार्टिकल्स का जो ए बी और सी पे रखे गए हैं। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, कि जैसे ये जो पार्टिकल है ये उसी एक्सिस पे रखा गया है जिसके अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मास के कारण इस एक्सिस पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक। तो इस सिस्टम के लिए और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिर्फ ये वाला मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूट करेगा और ये वाला मास जो बी पॉइंट पे है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूट करेगा। जो सी वाला मास है वो कितनी दूरी पर है, एल बाई टू पे है, और बी वाला मास एल पे है। तो सिंपल हम एक पार्टिकल का जो फॉर्मूला होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वो लिख देंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्स इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल एट सी प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल एट बी, क्योंकि ए वाले का तो जीरो है तो मैं लिख नहीं रहा। जो C वाला है वो कितनी दूरी पर है, L बाई टू पे है, और जो B वाला पार्टिकल है वो R स्क्वायर लिखा जाता है इस तरह से, तो ऐसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे फाइव बाई फोर एम एल स्क्वायर, ये आना चाहिए आपके पास आंसर, फाइव बाई फोर एम एल स्क्वायर, इट इज़ ऑप्शन नंबर टू, ठीक। तो ये बैठा क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है, ए व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको ऑलरेडी इसके वैल्यू गिवन है, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, रोटेट्स एट द रेट ऑफ 60 रेवोल्यूशन पर मिनट और 60 रोटेशन पर मिनट, ठीक है, अबाउट द एक्सिस, द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील रोटेशन इन वन मिनट वुड बी, तो हमें टॉर्क का कैलकुलेशन करना है। अब देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आई अल्फा, ठीक, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। टॉर्क होता है हमारे पास आई अल्फा, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 2 kg मीटर स्क्वायर और टॉर्क लिखा जाता है आई अल्फा, तो इन शॉर्ट कि आपको अल्फा का कैलकुलेशन करना है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। अब अल्फा का कैलकुलेशन हम कहाँ से करेंगे, ये वाली इक्वेशन से, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करेंगे। फाइनली तो रुक जाएगा, है ना, फाइनली रुक जाएगा ना, लिखा हुआ है कैन स्टॉप, तो फाइनली रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता करना है, टाइम तो गिवन है हमें, वन मिनट है मतलब 60 सेकंड्स हैं, तो इनिशियली आपको एक डाटा दिया गया है 60 राउंड्स पर मिनट, तो इसका जब आप देखोगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा, फिर एक सेकंड में कितने हो गए, दिस कैन बी रिटन एज 60/60 इक्वल्स टू वन राउंड पर सेकेंड, ऐसा हो गया। अब ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2πf0, ऐसे लिखा जा सकता है ना, ठीक। अब इसमें अब देखो कि आपको फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी तो आपकी निकल गई 1, है ना, फ्रीक्वेंसी ये आई है आपकी 1, तो ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा
टू पाई मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल्स टू टू पाई। तो ये आपके पास टू पाई इसका ओमेगा नॉट का वैल्यू आ गया। इसको इक्वेशन में जब यूज़ करते हैं तो ये आ जाएगा टू पाई प्लस अल्फा। टी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 60 सेकंड्स पुट करेंगे, ये आ जाएगा। सो दिस इज़ टू पाई बाय 60 इक्वल्स टू अल्फा। इस तरह से आपके पास आंसर आता है। अब नेगेटिव साइन ऑलरेडी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिटार्डेशन हो रही है, नेगेटिव साइन रिटार्डेशन के कारण ही तो रुकेगा ना। देयरफोर टॉर्क कैन बी रिटन एज आई अल्फा, आई का वैल्यू है 2 और अल्फा का वैल्यू, अब नेगेटिव साइन ही लिखना क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस हमें पता लग गया है, तो 2 पाई अपॉन 60। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो इट्स कम्स आउट टू बी पाई बाय 15 न्यूटन मीटर, विच इज़ द यूनिट ऑफ टॉर्क। सो दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। क्लियर, सबको क्लियर होना चाहिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन एन ऑर्बिटल मोशन द एंगुलर मोमेंटम वैक्टर इज। एंगुलर मोमेंटम वैक्टर जब भी कोई ऑर्बिटल मोशन में होता है तो एंगुलर मोमेंटम वैक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है ना, तो इसके अबाउट होगा एंगुलर परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन। तो ये 10th ऑप्शन आना चाहिए इसका, सॉरी 10th का 4th ऑप्शन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या कहता है, टू बॉडीज हैविंग देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड टू आई रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशंस आर इक्वल, काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशंस आर इक्वल, देन देयर एंगुलर मोमेंटा विल बी इन द रेशियो ऑफ। तो इनका एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। अब एक चीज़ तो दे रखी है आपको कि के रोटेशन 1 इज इक्वल टू के रोटेशन 2, ये वाली बात आपको दे रखी है। अब रोटेशन क्या लिखा जाता है, 1 बाय 2 आई 1 ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 2 आई 2 ओमेगा 2 स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है रोटेशन के लिए, ठीक है। अब और क्या डाटा आपको गिवन है कि एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कैंसिल हो जाएंगे, चलिए ये से ये कैंसिल कर देते हैं। एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ओमेगा 1 स्क्वायर और दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आई है ओमेगा 2 स्क्वायर, आई से आई कैंसिल हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। ओमेगा का क्या रिजल्ट आया, ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2 स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इनका एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। देयरफॉर जब हम एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालेंगे तो एंगुलर मोमेंटम तो लिखा जाएगा L1 अपॉन L2। L1 का वैल्यू कितना, L1 लिखा जाता है I1 ओमेगा 1 और ये लिखा जाएगा I2 ओमेगा 2। I1 तो आपको पता है, I1 कितना, एक के लिए I लिखा जाएगा और दूसरे के लिए 2I लिखा जाएगा। ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, यहाँ से अगर मैं देखूँ ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इनका स्क्वायर जो होगा वो आपको वैल्यू दे रहा है 2/1 की, इस तरह से ये। तो अगर स्क्वायर हटा देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, तो इसका मतलब ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का वैल्यू कितना होगा, √2/1 होगा। आई से आई कैंसिल हो गया, ये आ गया √2/2। सॉल्व करेंगे तो L1 अपॉन L2 का इस तरह से रेशो आना चाहिए, 1/√2, थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग विद एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, रोटेट कर रहा है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम ए विस्कस फ्लूइड ऑफ मास एम इज ड्रॉप्ड एट द सेंटर, कहाँ पर गिरा, सेंटर पे गिरा, एंड इज अलाउड टू स्प्रेड आउट एंड फाइनली फॉल ऑन ग्राउंड, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो देखो मैं एक डिस्क कंसीडर कर लेता हूँ और यहाँ से क्या होगा कि एक विस्कस, इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो आपको ये घूम रहा था अपने कॉमन नॉर्मल एंगुलर वेलोसिटी से, लेकिन फिर क्या होगा कि एक ड्रॉप है यहाँ पर रखा गया और धीरे धीरे ये ड्रॉप इधर गया और फिर वो ड्रॉप नीचे गिर गया,
है ना, ये ड्रॉप धीरे धीरे इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप देखोगे कि हुआ क्या है कि जब ये ड्रॉप रखा गया है ना, जब ये ड्रॉप रखा गया तो आप इसका इक्वेशन बना सकते हो ना कि यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही हो रहा है, आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। तो जब मास ऐड हो गया, एक्स्ट्रा मास ऐड हुआ, तो उसके एडिशन के कारण क्या हुआ है कि हमारे पास आई टू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देयर फोर ओमेगा टू को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, सो दैट कि ये कॉन्स्टेंट रह सके इक्वेशन। ठीक, तो आई टू इंक्रीज करेगा तो ओमेगा टू को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो कब तक डिक्रीज होता रहेगा, जब तक ये जो ड्रॉप है एंड पॉइंट से हटकर अलग नहीं हो जाता और ग्राउंड पे नहीं गिर जाता। तो जैसे ये अलग हो गया डिस्क से, तो फिर से जो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था और ओरिजिनल एंगुलर वेलोसिटी थी, उसी एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी घूमना शुरू हो जाएगी। तो पहले क्या हुआ, मास के एडिशन के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ और ओमेगा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब ये डिक्रीज है और ये डिक्रीज है, दो ऑप्शन बचे, डिक्रीज हो रहा है ओमेगा। फिर क्या होगा, डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, नहीं कंटिन्यूसली नहीं डिक्रीज होगा। कब तक डिक्रीज होगा, जब तक ये जो ड्रॉप है डिस्क के ऊपर है। जैसे ही ये ड्रॉप ग्राउंड पे गिरना शुरू हो जाएगा, मतलब कि डिस्क से हट गया, तो फिर से उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, इफ ए स्ट्रीट लाइट ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड from the end of uniform rod of length L in the different possible patterns as shown in the figure, then इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न सबसे सही है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो बल्ब है, ये स्ट्रिंग के कारण टॉर्क नीचे की तरफ लगेगी, इस रॉड के मास के कारण सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, उसके कारण टॉर्क ऐसे होगा, मतलब ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहे हैं, और इन क्लॉकवाइज टॉर्क को रॉड और बल्ब के जो कारण जो टॉर्क लग रही है, उनकी टॉर्क को अपोज कौन कर रहा है, ये केबल उसका अपोज कर रही है। अब आप खुद ही सोचो, बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल है कि अगर ऐसा ही हो तो आप इसको रोक के रखना है तो आप कहाँ से पकड़ोगे, आप यहाँ से पकड़ोगे, थोड़ा उधर से या इधर से पकड़ोगे। इसका अगर आप ऐसा सिचुएशन नहीं अराइज कर सकते तो आप अपने दरवाजे को एग्जांपल ले सकते हो कि आपको अपना दरवाज़ा खोलना है, कमरे का दरवाज़ा जब खोलते हैं तो उसकी हिंज हमेशा आप देखोगे कहाँ पर बनी होती है, जैसे ये डोर है तो हिंज हमेशा यहाँ कहीं बनी होती है ना, तो आसानी, सो दैट कि ये दरवाज़ा आसानी से खुल सके। अगर यही हिंज यहाँ कहीं बनी होती है ना, तो क्या ये दरवाज़ा आसानी से खुल पाता, नहीं खुल पाता। तो आसान सिचुएशन क्या होती है कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा, रोटेशन होगा, उससे जितना दूर हो, तो उससे जितना दूर अब कौन सा केबल है, ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से हम इस सिस्टम को स्टडी रख सकते हैं। सो कौन सा पैटर्न सबसे सूटेबल रहेगा, ए पैटर्न सबसे यहाँ पर सूटेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल एंड मास एम is free to rotate about A. The rod is released from rest in the horizontal position. तो इसको release कर दिया गया horizontal position से, तो जब ये horizontal position से release हो जाएगा तो इसका center of mass तो यहाँ कहीं होगा, इसका मतलब इस पर downward direction में mg act करेगा और ये हो जाएगा L by 2. तो mg के कारण torque लगेगा A point के about. ठीक, given that the moment of inertia of the rod about A is ml square by 3, the initial angular acceleration of the rod will be, तो इसका initial angular acceleration क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क का अल्फा निकालना है ना हमने, तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, कि टॉर्क जो A पॉइंट के अबाउट होगा, दैट कैन बी रिटन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A इंटू अल्फा, ऐसे। अब ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आपको दे रखा है ml² by 3, ये दे रखा है, और इसको अल्फा लिख लेते हैं। दिस इज टॉर्क अबाउट ए, लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। बट टॉर्क अबाउट ए किसके कारण है, mg के कारण है, और कितनी है, mg L by 2, ये है, ये हो गया इक्वेशन नंबर
सेकंड दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे जब तो हमारे पास आएगा एम जी एल बाई टू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री अल्फा ऐसा। अब यहाँ से देखो क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एम कैंसिल हो गया और एक एल का वैल्यू कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आना चाहिए, थ्री बाई टू जी अपॉन एल इक्वल्स टू अल्फ़ा, कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखना चाहिए, थ्री बाई टू जी अपॉन एल, जी अपॉन एल आई थिंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए, थ्री बाई टू जी बाई एल या दिस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फोर आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल फॉर्म ए स्क्वायर फ्रेम, तो ये स्क्वायर फ्रेम चारों ने मिलके बना लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर, तो ये सेंटर हो गया इस स्क्वायर का, तो यहाँ से जो एक्सिस पास कर रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करना है। अब देखो ये तो है एक रॉड, ठीक, तो इस रॉड का सेंटर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल बाई टू हो जाएगा, एल बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ तो होगा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, सेंटर पे जो होता है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व होता है। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हम ऐसे निकाल सकते हैं, आई वन लिखा निकाल सकते हैं, तो आई वन कितना होगा, सो आई वन कैन बी रिटन एज एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम एल बाई टू स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो इसको जब देखते हैं तो ये आपके पास आना चाहिए एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, ठीक, इसको एलसीएम तो इसका आ जाएगा ट्वेल्व, सो इट इज एम एल स्क्वायर प्लस थ्री एम एल स्क्वायर, सो इट विल बी फोर एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व एंड इट कैन बी रिटन एज एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ठीक। तो ये आपके पास आई वन आ गया ड्यू टू वन रॉड, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्यू टू वन रॉड, कितनी रॉड्स हैं, फोर रॉड हैं, तो फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ड्यू टू फोर रॉड फोर मल्टीप्लाई एम एल स्क्वायर बाई थ्री, सो फोर बाई थ्री एम एल स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल, फोर बाई थ्री एम एल स्क्वायर ऑप्शन नंबर सेकेंड ये आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, कहता है इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हैविंग पोजिशन वैक्टर आर एंड टॉर्क बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन देन, तो ये चार ऑप्शन हैं। देखो आप सबको पता होता है कि अगर मेरे पास ये ओरिजिन है या कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें एक मैंने पार्टिकल रखा हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है और उस पर एक फोर्स लगाई जा रही है लेट से दिस, तो जो टॉर्क होगा ना, टॉर्क हमेशा कैसा होता है, टॉर्क जो होता है वो इस तरह से परपेंडिकुलर होता है, तो टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर के और टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होगा फोर्स वेक्टर के, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए दोनों का, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सूटेबल होगा कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस वर्टिकल टू इट्स प्लेन विद ए कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो हमारे पास एक थिन सर्कुलर रिंग है जो ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास एम बी अटैच्ड जेंटली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए रिंग द रिंग विल देन रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, सो आपको कहा गया है दो सिचुएशंस एक्चुअली दे रखी हैं कि पहली सिचुएशन है और एक बाद वाली सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में आपको सिर्फ रिंग ही है और दूसरी सिचुएशन में रिंग के साथ दो अलग ऑब्जेक्ट्स भी रखे गए हैं, कैसे वो देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17, सो हमारे पास एक रिंग है
ये एक रिंग हो गया। तो इस सिचुएशन में पहले तो ये था और ये ओमेगा से बड़े मज़े से घूम रहा था इस तरह से, इसका मास एम है, रेडियस आर है, ठीक। अब बाद में कहता है कि तो इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एल वन होगा। बाद में कहता है कि इसके दो अपोजिट एंड पे हमने दो छोटे छोटे मासेस भी रख दिए डायगनली अपोजिट एंड्स पे। तो अब इसके पास ओमेगा डैश जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। मास तो रिंग का मास सेम रहा लेकिन दो मासेस और ऐड हो गए हैं और रेडियस भी सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एल टू। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे एल वन इक्वल्स टू एल टू। सो एल वन इक्वल्स टू एल टू का एप्लीकेशन से ये होगा आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। सो फर्स्ट केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज़ एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, और सेकेंड केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, एम आर स्क्वायर प्लस दो पार्टिकल्स रखे गए हैं एम आर स्क्वायर इस तरह से, और ये ओमेगा डैश लिख दिया जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ओमेगा डैश आपको मिल जाएगा, ओमेगा डैश कम्स आउट टू बी एम ओमेगा डिवाइडेड बाई एम प्लस टू एम, दिस इज अवर आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन बैठता है, ये एम ओमेगा, सो थर्ड ऑप्शन बैठा। ओके, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ये। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ टाइम। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स जीरो, टॉर्क कम जीरो होगा, टॉर्क जो होता है वो फोर्स की तरह होता है ना, तो चलो मैं इधर ही साइड पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। टॉर्क कैसा होगा, फोर्स की तरह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो टॉर्क लिखा जाता है जैसे फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा जाता था, टॉर्क इजिकल टू लिखा जाता है इस तरह से। टॉर्क का ज़ीरो होना क्या बताता है कि जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। चलिए थीटा से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी डी थीटा अपॉन डी टी करके, तो वो कितनी आनी चाहिए, ये आ जाएगी 6t² - 12t इस तरह से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। फिर से जब आप इसको ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करोगे, ओमेगा को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे ये आएगा 12t - 12। इसको ज़ीरो पुट कर दो, इसको ज़ीरो पुट करोगे टी इक्वल्स टू वन सेकेंड आपके पास आंसर आ जाता है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज आई नॉट। सो क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि आपके पास इस तरह से एक रॉड है और जो मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली पास कर रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, आई नॉट है। फिर कहता है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स इन परपेंडिकुलर, तो इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना होगा वो हमें पता करना है, आई की वैल्यू क्या होगी। तो आप सबको पता है ये कितना डिस्टेंस होगा, एल बाय टू होगा, ठीक। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस एम एल बाय टू स्क्वायर। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर बाय फोर, ऐसा लिखा जा सकता है। देख लो कौन सा ऑप्शन बैठता है, ये वाला ऑप्शन बैठा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ए स्मॉल मास अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, स्मॉल मास है स्ट्रिंग से अटैच्ड है, रोटेट ऑन ए फ्रिक्शन लेस टेबल टॉप। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय पुलिंग द स्ट्रिंग कॉजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन टू डिक्रीज, रेडियस डिक्रीज हो रहा है बाय ए फैक्टर ऑफ टू, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल। तो देखो क्या सिचुएशन है, इस तरह से सिचुएशन है हमारे पास एक कि एक टेबल है, जैसे ये टेबल है और उसमें एक छोटा सा होल है और ये एक मास है, और इस होल से ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ लटकी हुई है, तो इस पे ऐसे टेंशन अप्लाई हो रहा है। जैसे जैसे हम इसको स्ट्रिंग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करते जाएंगे रेडियस कम होता जाएगा, ठीक।
लेकिन ये आप देखा होगा ये इस तरह से रोटेट भी कर रहा है, इस तरह से रोटेट भी कर रहा है इस रेडियस में। तो आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है कि काइनेटिक एनर्जी जब रेडियस कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितने फैक्टर इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको देखते हैं। अब इसको देखने का आपको ज़रिया ये है कि जो टेंशन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और इसी पॉइंट के अबाउट ये सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर जो टेंशन एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस ओरिजिन या इस डॉट के पॉइंट अबाउट पास कर रही है, तो टॉर्क जो होगा इस पॉइंट के अबाउट वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज टेंशन फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रही है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। टॉर्क अगर ज़ीरो लग रहा है इस पर तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक, तो इसी से बात आगे चलेगी कि क्या है कि टॉर्क जो है ओ पॉइंट के अबाउट, ये ओ पॉइंट है, इक्वल्स टू ज़ीरो, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ विल रिमेन कंजर्व। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं ना पी स्क्वायर अपॉन टू एम, है ना, तो यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी, पी के लिए एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर अपॉन मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए एल तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि जो के रोटेशनल है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से आता है। अब यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बैठेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का कितना होगा, एम आर स्क्वायर होगा, इस मास भी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब जो के रोटेशनल है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब आर अगर डिक्रीज हो रहा है टू टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अब देखो आर क्या हो रहा है, आर बाय टू हो रहा है, जब आप आर बाय टू रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फोर टाइम्स हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फोर टाइम्स हो जाएगी, फोर की हो जाएगी, के डैश की वैल्यू फोर के आनी चाहिए ना, स्क्वायर है ना आर के ऊपर, इसलिए इस स्क्वायर के कारण काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम्स हो जाएगी, तो इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ फोर, तो ये आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ए बी सी इज़ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ओ एज इट सेंटर, उस पर तीन फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, रिप्रेजेंट थ्री फोर्सेज एक्टिंग, आपको डायग्राम क्लियर है। इफ़ द टोटल टॉर्क अबाउट ओ इज़ ज़ीरो, ये वाली बात, टोटल टॉर्क ओ के अबाउट ज़ीरो है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ थ्री कितना होगा। ठीक है, तो हम तीनों के कारण टॉर्क लिखेंगे। अच्छा, तीनों के कारण टॉर्क लिखने का ये जरिया है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो लेट्स से ये भी आर होगा, फिर ये भी आर होगा, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तीनों सेम डिस्टेंसेस होंगे, तो ओ के अबाउट इसके कारण भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा टॉर्क, इसके कारण भी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, लेकिन एफ थ्री के कारण जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू इक्वल्स टू टॉर्क थ्री होना चाहिए, तो ये हो गया एफ वन आर प्लस एफ टू आर इक्वल्स टू एफ थ्री आर, इस तरह से तो आपके पास आएगा F3 थ्री इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बस सेंस का ही सारा खेल था यहाँ पर, तो किस सेंस में टॉर्क अप्लाई होगा इन फोर्सेस के कारण, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलॉन्ग, जैसे कोई मास है एक प्लेन में रोटेट कर रहा है, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये कौन से प्लेन में होगा, फिर जेड प्लेन में होगा, सो इज डायरेक्टेड अलोंग ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, हमेशा ऐसा होता है। ठीक, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, सॉलिड सिलेंडर है, डिस्क की तरह बिहेव करेगा, रोलिंग रोल कर रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 meters पर सेकेंड, हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है, इट कोलाइड विद ए हॉरिजेंटल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग विल बी, तो अच्छा सवाल है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग होगा। देखो डायग्राम मैं बना रहा हूँ इसकी यहाँ पर, कि ये सिचुएशन रखते हैं कि हमारे पास एक डिस्क लाइक सॉलिड सिलेंडर है और ये किसी वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, और दूसरे एंड में हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस तरह से स्प्रिंग है, तो हुआ क्या कि इसके पास इनिशियली तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ अगर रोल कर रहा है तो इसके पास ना टोटल काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज़ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी जो इस
सॉलिड सिलेंडर की होगी, सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, एफ क्या होगा इसमें जितना कंप्रेशन आएगा वो एक्स हो जाएगा, और के टोटल अगर मुझे लिखना होगा तो वो क्या होगा, 1/2 mv² 1+k² / r² ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो सारी की सारी एनर्जी है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। आपको इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आपको सॉलिड सिलेंडर के लिए पता होनी चाहिए, 1/2 होती है। सो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू डिस्क की या सॉलिड सिलेंडर की कितनी होगी, 1/2 होगी। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, ठीक, के अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई और आपको कॉन्स्टेंट भी पता है। जैसे ही वैल्यूज आप पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 0.6। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ पर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारी पॉइंट्स जो हैं ये ऐसे पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्सिस यहाँ से परपेंडिकुलर टू द डिस्क है एंड पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। सो आप देखोगे यहाँ पर तो जो सबसे स्टैंडर्ड है ये वाला पॉइंट जो होता है ए पॉइंट होता है, mr² / 2 होगा। तो अगर डी पे मुझे जाना हो तो पैरल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से mr² / 2 + this देन mr² / 2 + this देन mr² / 2 + this। तो बी का अगर देखता हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा रेडियस आ रहा है ना, कि कैसे लिखेंगे, mr² / 2 + mr² ऐसा लिखा जाएगा। बाकी केसेस में ये जो रेडियस होंगे ये कम होंगे एज़ कम्पेयर टू बी, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी का ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हमें मैक्सिमम पूछा गया था तो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, बी पॉइंट पर होगा। ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन ए फ्रिक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउंटेड ऑन ए फ्रिक्शन लेस वर्टिकल एक्सल, इट्स रेडियस इज 2 meters एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सल इज 200 kgm², इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ओमेगा इनिशियल कितना है हमारे पास, 0 है। ए 50 kg मैन स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड बिगिन टू वॉक, बिगिन कर रहा है, इसका मतलब मैन भी इनिशियली क्या था, रेस्ट पर था। कितनी स्पीड से चला, 1 m/s की स्पीड से चल रहा है रिलेटिव टू द ग्राउंड। टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 revolution, देखो रेवोल्यूशन गोल चक्कर उसने कंप्लीट करना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू 2π/ω होता है। तो ओमेगा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पर्सन के लिए विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो ये ओमेगा कौन सा होना चाहिए, ओमेगा मस्ट बी बाय द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म या मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा हम कह सकते हैं, मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ऐसा हमें। तो ओमेगा ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इसको कैलकुलेट करना ही सारी यहाँ की कहानी है। तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम देखो इसका कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ये इस तरह से आपके पास एक सिचुएशन है और एक फ्रिक्शन लेस ये एक्सल है और इस पर एक पर्सन है इस तरह से। अच्छा, तो ये कहानी है जब, तो इसमें क्या होगा, इनिशियली तो रेस्ट पर हैं सारे, मैन भी रेस्ट पे है, पर्सन भी रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। बट जब पर्सन ने मूव करना शुरू किया, जब ये पर्सन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा तो क्या होगा, पर्सन तो राइट साइड जा रहा है इतनी सी डिस्टेंस पे देखें, लेकिन जो हम इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि पर्सन तो इधर जाएगा लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। क्लियर है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें देखना होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो यहाँ पर कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर, टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो मैन का है वो किसके बराबर होना चाहिए, प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म PLT, लो ऐसा पूरा लिख देता हूँ, ऐसा होना चाहिए। अब
मैन का एंगुलर मोमेंटम कितना लिख सकते हैं, एम वी आर लिख सकते हैं, एम वी आर लिख सकते हैं, और प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम कितना लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेटफॉर्म मल्टीप्लाई ओमेगा ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक, अब यहाँ पर ओमेगा ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम वी आर डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म। एक बात याद रहे कि ये जो मोमेंट ओमेगा ऑफ प्लेटफॉर्म आया है ये एंटी क्लॉकवाइज है, बात याद रखना। कैसा दिख रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज है, कैसा है ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, m m की वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50 है, 50 लिख दिया। वेलोसिटी कितना है और r रेडियस कितना है, रेडियस हो गया रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर, सो 2 लिख देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, वो भी गिवन है आपको 200, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/2 रेडियन पर सेकंड, ये आ गया, सो ओमेगा पी आ गया 1/2 रेडियन पर सेकंड। ठीक, चलिए अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, ये रिक्वायरमेंट थी हमारी, वहाँ तक पहुँचना हमें, तो मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कैसे लिखा जाएगा, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिखा जाएगा। चलिए ये हो गया मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, इक्वल्स टू मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन के लिए ओमेगा क्या लिखें, वेलोसिटी अपॉन आर, ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन याद रहे कि मैन का एंगुलर मोमेंटम सॉरी ओमेगा कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज था, डायग्राम में देख सकते हैं मैन कैसे जाएगा, इस तरह से जा रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो इसका कैसा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से जा रहा है ऐसे घूम रहा है, इधर से जा रहा है ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जो होगा ये होगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस। लेकिन पर्सन का कैसा है, पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसा दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज है, तो उसका वैल्यू मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव ऑफ 1/2 ऐसे। ठीक, जब मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ, वेलोसिटी है मेरे पास 1 और रेडियस है मेरे पास 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, दिस इज मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म 1 आ गया। अब किसकी कैलकुलेशन बची, बस टाइम की, तो इधर हम टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो टी कितना आना चाहिए मेरे पास, दिन टी इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना आया 1 आया, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 2π सेकेंड्स, तो 2π सेकेंड्स हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजेंटल एक्सिस, फ्री टू रोटेट, ए मासलेस स्ट्रिंग इज वाउंड अराउंड द सिलेंडर विद वन एंड अटैच टू इट एंड अदर हैंगिंग फ्रीली। तो यहीं तक अगर बात करते हैं तो हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, हम एक सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इसकी दो फोटोज़ बन सकती हैं, एक फ़ोटो तो ऐसी आप बना सकते हो कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और उस पर बहुत सारी रस्सी लपेटी गई है और ऐसे रस्सी एक एंड उसका लटका हुआ है, और उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया देखना हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ऐसा दिखाई देगा कि इस तरह से आपको रस्सी साइड से लटकी हुई दिखाई देगी सिलेंडर की, ठीक, और ये हो गया उसका रेडियस, मास गिवन है, रेडियस गिवन है, ओके, मासलेस स्ट्रिंग है, टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 revolution per second square, तो हमें ये पता करना है। अब देखो अल्फा जो है ये अल्फा की वैल्यू है, अल्फा इज इक्वल टू 2 revolution per second square, तो अल्फा हो जाएगा 2, अब रेवोल्यूशन का मतलब हो जाएगा 2π, ये अब ये चला जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में लिखा जाएगा, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू आ गया 4π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमें टॉर्क तक पहुँचना है, क्योंकि इस टेंशन के कारण जो यहाँ पर टेंशन लग रहा है इस ओ पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क एक्ट करेगा वो कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू टेंशन मल्टीप्लाई बाय आर, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और टॉर्क और क्या लिखा जा सकता है आई इंटू अल्फा, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं इक्वेट करता हूँ टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा लिखा जा सकता है, तो हमें टेंशन की कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा आई अल्फा डिवाइडेड बाई आर,
देखो अल्फा पता है हमें, रेडियस भी पता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर डिस्क की तरह बिहेव करता है, तो डिस्क की तरह जब बिहेव करेगा तो उसका लिखा जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू, ये तो हो जाएगा आई, अल्फा की वैल्यू है 4 पाई, और डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितना है मेरे पास 0.5। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाना चाहिए। ओके या तो वैल्यूज पुट करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 157 न्यूटन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशंस फॉर ए सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग इज, तो हमें रेशियो निकालनी है, किसकी, एक्सेलरेशंस की रेशियो निकालनी है। ठीक, तो आपको दो सिचुएशंस दे रखी गई हैं, तो देखते हैं दो सिचुएशंस क्या हैं। क्या कहता है दो सिचुएशंस हैं जो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दो सिचुएशंस हैं, एक तो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की, क्वेश्चन नंबर 27 रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इस तरह से है, ये थीटा एंगल हो गया और ऐसे ये आ रहा है, और एक दूसरा केस है कि सेम है सिचुएशन ऐसा सेम, ओके एक्सेलरेशन जो इस केस में होगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और ये स्लिपिंग विदाउट रोलिंग ऐसे, तो एक्सेलरेशन रोलिंग के केस में क्या होता है, ये होता है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus k square upon r square, ऐसा होता है, और इस केस में एक्सेलरेशन सिंपली हो जाएगा जी साइन ऑफ थीटा ऐसे। अब इनकी एक्सेलरेशन की रेशियो क्या आ जाएगी, a1 upon a2, इसको a2 लिख लेते हैं, इसको a1 लिख लेते हैं, जब आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus k square upon r square डिवाइडेड बाय जी साइन ऑफ थीटा ऐसा, तो जी साइन थीटा टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास ये बड़ा ही सिंपल सा सिचुएशन आ जाएगा a1 upon a2 equals to 1 upon 1 plus। अब हमारे पास के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5 होती है। ठीक, ये ऐसा लिखा जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये 1/1 ही आएगा, सॉल्व करने पे आपको ये मिल जाएगा 5/7। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज सर्कुलर होल, इस सर्कुलर होल ऑफ डायामीटर आर हुज रिम पासिस थ्रू द सेंटर इज कट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हुज रिम पासिस, कहाँ से पास कर रहा है उसका रिम, थ्रू द सेंटर इज कट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क। तो पहली बात तो एक डिस्क है हमारे पास, ठीक है, और उसमें एक सर्कुलर होल किया गया है, किस तरह से होल किया गया है कि उस होल का जो पार्ट है वो कहाँ से पास करे। ओके, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ इसकी कैलकुलेशन ऐसी होगी, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 28, सो लेट्स ब्रिंग इट लिटिल डाउन, क्वेश्चन 28। तो क्वेश्चन 28 कहता है कि हमारे पास तो सबसे पहले तो एक डिस्क है इस तरह से, और क्या हो रहा है इसका एक इस तरह से एक्सिस है, लेकिन इससे एक मास डिलीट किया गया है, और एक वो भी एक सर्कल ही है, लेकिन उसका रिम जो है वो डिस्क के सेंटर से पास करना चाहिए, तो ये पार्ट क्या हो गया है,
डिलीट हो गया है। तो जब ये पास डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो ये वाला पार्ट बचेगा, रिमेनिंग ये वाला हिस्सा हमारे पास बच जाएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारे पास, तो इस हिस्से का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है कि इस हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब इस हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे इस ये जो हॉलो हमने किया है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। सो सेंटर से लेट्स से दिस इज C2 और ये है C1, ये जो है। ठीक, अब कहता है कि ये तो रेडियस है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। R/2 जो छोटा वाला हमने जो पार्ट या होल जो हमने किया है उसका डायामीटर रेडियस के बराबर है, इसका मतलब उसका रेडियस कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, देखो मैं आपको बैकग्राउंड दिखा देता हूँ कि हमने करना क्या है। कि इसका मोमेंट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा IC2। तो हम इनको अभी माइनस नहीं करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे IC1 में से IC2 को माइनस कर देंगे, नहीं, ऑल्दो कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इसी डिस्क का है, इसी पार्ट का है, लेकिन हम इसको इससे माइनस नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप, कि इस एक्सिस, ये जो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो हॉलो पार्ट बना है ये इसका है, नो डाउट, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट कितना होगा, मतलब जो डिस्क रिमूव की गई है, ये जो पार्ट रिमूव किया गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट तो इतना है उसके सेंटर पे, बट बड़ी वाली डिस्क के सेंटर के अबाउट कितना होगा। सो हम ये लिखेंगे प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से, यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है हॉलो वाली डिस्क का जिसको रिमूव कर दिया गया, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, इससे उस पार्ट को माइनस करेंगे ब्लू वाली का जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो चलो हमारा पता लग गया करना क्या है। तो सबसे पहले तो IC1 लिख लेते हैं, IC1 सिंपल है आपके पास, MR²/2 होता है, डिस्क है तो। ठीक, अब जो एरिया रिमूव किया गया वो या मास रिमूव किया गया वो कितना होगा, मास रिमूव्ड, उसको कैसे निकालते हैं, उसको M लिख लेता हूँ मैं, तो वो हो जाता है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना था πr² मल्टीप्लाई बाय रिमूव्ड एरिया, रिमूव्ड एरिया कितना है R/2², ऐसे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो m आ जाएगा m/R² × R²/4, सो R² से R² कैंसिल हो गए तो ये आ जाएगा m का वैल्यू। ठीक, अब हमें मास तो पता लग गया, अब क्या करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे IC2, तो वो कितना होगा MR²/2 ऐसे लिखा जाएगा। M कितना है, कैपिटल M/4 है, रेडियस कितना है R/2 है और 1/2। ठीक, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ये आ जाएगा MR²/32, तो एक ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, एक हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था। तो अब ये जो हॉलो पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर एक्सिस से आया है वो है MR²/32, बट विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट अबाउट C1। नाउ वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड डिस्क अबाउट C1, C1 के अबाउट कितना होगा विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो उसको मैं लिख रहा हूँ C2- लिख रहा हूँ ऐसे, या फिर ऐसे लिखता हूँ C1- लिख लेता हूँ उसको, तो वो कितना होगा IC2+MX², तो ये हो जाएगा IC2 कितना है,
ये तो है एम आर स्क्वायर बाई 32, और एम कितना है वो है एम बाई 4, ये हो गया आर बाई 2, एक्स का वैल्यू कितना है आर बाई 2। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3mr² / 32, ये आ जाएगा। अब इसको रिमूव करना है हमें, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा IC1 - IC1 - ऐसे, दैट इज mr² / 2 -3/32 mr² ऐसे। सॉल्व करने पे आ जाएगा 13/32 mr². तो ये आना चाहिए, दिस इज द ऑप्शन सेकंड, या ये ऑप्शन आ गया आपके पास। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको 2-3 बारी रिवाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कहता है ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एट रेस्ट। सर्कुलर डिस्क है 50 एट रेस्ट, इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर। ओके, फिर क्या कहता है, देन इट सेज इट इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क विच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस, इट्स नेट एक्सेलरेशन इन, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, नेट एक्सेलरेशन पूछी गई, जैसे सर्कुलर मोशन में पूछते हैं, नेट एक्सेलरेशन इन m/s² एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स इज अप्रॉक्सीमेटली, तो कितनी होगी। चलिए आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। स्पेस बना लेते हैं थोड़ी सी इस क्वेश्चन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 29, तो सबसे पहले तो सिचुएशन को समझो, ये सिचुएशन है ऐसी, कहता है इस पे ना इट इज़ सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क, तो इस पे एक टॉर्क लगाया गया इस तरह से, मान लो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगी होगी जिसके कारण टॉर्क ऑल दो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, बट समझने के लिए हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो इस डायरेक्शन में इसके पास क्या मिला, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आई इसके पास, कितनी आई 2 rad/s² इतनी आई। अब इनिशियली रेस्ट पर था, इसका मतलब ओमेगा नॉट क्या था, इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। हमें नेट एक्सेलरेशन निकालनी है, तो मैं आपको टारगेट बता देता हूँ नेट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। नेट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है और मुझे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन निकालनी है, इस तरह से ये कैलकुलेट करना है हमें। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वो होता है आर अल्फा, ठीक, आर की वैल्यू है 0.5 और अल्फा है आपके पास 2, सॉल्व करेंगे 1 m/s² आ गया। और सेंट्रीपेटल के लिए क्या लिखते हैं, v² / r, या फिर लिखा जाता है r ओमेगा स्क्वायर। तो r तो पता है, ओमेगा नहीं पता, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, ऐसे r की वैल्यू पुट करते हैं 0.5, ओमेगा नॉट हो गया 0, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 2 आई, t की वैल्यू कितनी है 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे। सो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0.5 × 16, इट्स कम्स आउट टू बी 8 m/s². ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आ गई और ये मेरे पास आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, तो ए नेट इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ at² + ac² तो जब आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे 1² + 8² ये आ जाएगा 65, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 m/s², है ना। उन क्वेश्चन में भी आई थिंक लिखा है कि अप्रॉक्सीमेट आपको आंसर बताना है कितना होगा, दैट इज़ ऑप्शन फर्स्ट, ये आ गया आपके पास आंसर, करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्या कहता है, ए डिस्क एंड ए स्फीयर, दो आ गए अब
एक डिस्क आ गई, एक स्फीयर आ गया, सेम रेडियस है बट डिफरेंट मासेस। या डिफरेंट मासेस रोल ऑफ ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ सेम एल्टीट्यूड एंड, मतलब सेम एंगल, एल्टीट्यूड और लेंथ सेम है उनकी, एल्टीट्यूड मतलब ये भी सेम है और लेंथ भी सेम है, जब ऐसा होगा तो ये एंगल भी दोनों के केस में सेम आएगा। विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, कुछ बच्चों ने ऐसा ऑलरेडी उनको पता होगा कि कौन पहले पहुंचता है, सॉलिड स्फीयर ही सबसे पहले पहुंचता है, देख लेते हैं कैसे पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि टाइम का फैक्टर हमें देखना है, और जो टाइम होता है, जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2L अपॉन जी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो g भी कांस्टेंट है, थीटा भी सेम है, l भी सेम है सबके लिए, तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जिसकी टाइम की वैल्यू कम होगी, जिसने टाइम कम लिया वो जल्दी पहुंचा, सीधी सी बात है ना। कुछ बच्चे यहां गलती कर जाएंगे, वो देखेंगे जिसका टाइम का वैल्यू ज़्यादा है वो जल्दी पहुंचा, नहीं, जिसने टाइम कम लिया इसका मतलब तेज चला और जल्दी पहुंचा। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो स्फीयर होता है, स्फीयर के केस में वो कितना हो जाएगा, स्फीयर के केस में होता है 2 बाई फाइव माने तो 0.4, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिस्क के केस में तो हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 0.5। तो 0.4 कम है एज़ कम्पेयर टू 0.5, ठीक, इसलिए क्या आएगा हमारे पास, कौन पहले पहुंचेगा, स्फीयर पहले पहुंचेगा, स्फीयर कम टाइम लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस एम एंड टू एम विद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए एंड आई बी हैव इक्वल, ये कंडीशन दे देगी, इक्वल काइनेटिक एनर्जीज हैं, तो काइनेटिक एनर्जीज इक्वल हैं, इनका एंगुलर मोमेंटम की आपको रेशियो बतानी है कि क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिया गया के ए इक्वल्स टू के बी, ठीक, ये बात गिवन है। अब जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है वो एंगुलर मोमेंटम के टर्म में ऐसे लिखी जाती है अपॉन टू आई ए, और इसके लिए लिखी जाएगी बी स्क्वायर अपॉन टू आई बी। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम, है ना, काइनेमेटिक्स में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रोटेशन में ऐसे लिखी जाएगी। अब देखो टू से टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि एल ए अपॉन एल बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई आई बी, ऐसा। अब आपको गिवन है कि ये देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए, तो अगर बी ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि एल बी जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ए। सो दिस इज़ अवर कंक्लूजन एंड यू दिस इज़ अवर ऑप्शन, एल बी इज़ ग्रेटर देन एल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या क्या गिवन है, एक तो सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस मास ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, ए सॉलिड सिलेंडर है ऑफ द सेम मास एंड सेम रेडियस इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस विच विद एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस, हाँ ये देखो एक कंडीशन होती थी, एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, तो काइनेटिक एनर्जीज की इनकी रेशियो बतानी है। चलिए काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, एक तो बात उसने दे दी कि ओमेगा 2 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 है। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो स्फीयर की लिखूंगा वो होगी 1/2 आई 1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो मैं सॉलिड सिलेंडर की लिख रहा हूँ वो क्या होगी, 1/2 आई 2 टू टाइम्स ऑफ ओमेगा वन
स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना, ओमेगा टू की वैल्यू मैंने पहले ही पुट कर दी, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब इनका रेशो लेना है, के रोटेशनल वन के रोटेशनल टू, ऐसे। तो ये लिखा जाएगा वन बाय टू आई वन ओमेगा वन स्क्वायर वन बाय टू आई टू टू टाइम्स ऑफ, तो ये हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ ओमेगा वन स्क्वायर। तो देखो क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो आपके पास क्या आया, आई वन डिवाइडेड बाई फोर टाइम्स ऑफ आई टू आया। अब स्फीयर का आई वन है तो वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा टू बाय फाइव एम आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ आई टू है तो वो डिस्क की तरह बिहेव करता है, वन बाय टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से एम आर स्क्वायर टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, टू से टू कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, इट्स कम्स आउट टू बी वन बाई फाइव, दिस इज़ यूर आंसर, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल, रॉड की केस है, मास टू मासेस एम वन एंड एम टू अटैच्ड टू इट्स टू एंड्स, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ द रॉड ना कह कि उसने सेंटर ऑफ मास कहा है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए स्पेस बना लेते हैं पहले हम, कि हमारे पास जो सिचुएशन है इसको अगर मैं ऐसा करता हूँ, somewhere here again, okay, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, ऐसा 33 है क्वेश्चन 33। तो हमारे पास एक रॉड है, लेट से ये एक रॉड है और इसके एंड्स पे दो मासेस रख दिए गए, एक M1 और एक M2। अगर ये सिमेट्रिकल मासेस होते तो इनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे होना था, लेकिन अब ये सिमेट्रिकल मासेस नहीं है, तो लेट्स से कि इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, तो एक ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो इसका मतलब ये कोई X1 होगा और ये कोई X2 होगा। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखा जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो कैसा कैसा लिखा जाएगा ना, जो लाइट रॉड है तो रॉड का तो खुद का मास नहीं है, इसका मतलब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू एम वन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू एम टू। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये लिखा जाएगा एम वन एक्स वन स्क्वायर प्लस एम टू एक्स टू स्क्वायर। अब एक्स वन और एक्स टू की क्या वैल्यू होती है, शायद आप सब बच्चों को पता हो कि m1 x1 कितना होता है, x1 होगा m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज l, है ना, दोनों के बीच लेंथ l है, ये हो गया इसका स्क्वायर, फिर m2। अब x2 कितना होगा, वो होगा m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, ऐसे। इसको सॉल्व करना है अब हमें, तो इसको सॉल्व करेंगे m1 m2 ये आ जाएगा m1 एम टू स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया एम टू एम वन स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब यहाँ से जब आप चीज़ें कॉमन लेके इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आई इक्वल्स टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू एल स्क्वायर, सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड ऑप्शन। ठीक,
देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि ए सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और वो प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है जब वो 6 मीटर ऑन द इंक्लाइन प्लेन ट्रैवल कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इनिशियल पोजिशन से कुछ यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ कहीं, तो इसने 6 मीटर ट्रेवल कर लिया। 6 मीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 6 मीटर, ये तो 30 डिग्री रहेगा, तो इसने इतना वर्टिकल डायरेक्शन में इतना एच कवर किया है। ये हो जाएगा 6 कॉस ऑफ 30 डिग्री और एच की वैल्यू हो जाएगी 6 साइन ऑफ 30 डिग्री, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक। एज कि हमें एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और एंगुलर वेलोसिटी का जो कैलकुलेशन होगा वो आएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा से, सो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, यहाँ से हमें कैलकुलेट करना होगा। अब वेलोसिटी जो आएगा वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करके। सो एज इट इज़ अंडर प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग की जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्योर रोलिंग में, वो हम सबको पता है, लिखी जाती है 1/2 mv² 1+k² / r² ऐसे लिखी जाती है। अब यह है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर डिस्क की तरह होता है, तो k² / r² की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। 1/2 जब हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/4 mv², ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तो h की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 6 sin of 30 डिग्री, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास होगा mg 6 sin of 30 डिग्री इक्वल्स टू 3/4 mv², यहाँ से मास वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सॉल्व करने पे v का वैल्यू हमारे पास आएगा √40 m/s। दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक। अब इक्वेशन नंबर थर्ड हमें पता लग गई है, अब हमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू आएगी √40 और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, r की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर इस तरह से ओमेगा। सॉल्व करने पे आपको ये आंसर मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू 40√10। ओके, दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो ये कौन सा, ये आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि हमारे पास एक रोप है वाउंड अराउंड ए हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर रिंग की तरह बिहेव करता है, ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है, ओमेगा अल्फा कैलकुलेट करना है। इफ़ द रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ दिस, तो इस तरह के क्वेश्चन टॉर्क पे बेस्ड होते हैं कि हमारे पास इस तरह सा ये इसका साइड पोस्चर है, तो साइड से अगर हम देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और इसके पास एक रेडियस है। तो टॉर्क पे बेस्ड ये सवाल होता है। टॉर्क की दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस और दूसरा होता है आई अल्फा। दोनों को इक्वेट करके हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, इस तरह से दोनों को इक्वेट कर दिया जाएगा, ठीक। जब इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास अल्फ़ा आ जाता है एफ आर बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्स कितनी है, फोर्स है 30, रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻²⁻ भी लिखा जाएगा। सॉरी, ये यहाँ नहीं, फोर्स 30 है और रेडियस है 40 × 10⁻²⁻, ऐसे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो हमें अभी पता नहीं है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिंग की तरह बिहेव करेगा तो ये एम आर स्क्वायर लिखा जाएगा, तो एक आर की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपली ये आ जाना चाहिए 30 / मास है 3 kg और आर की वैल्यू है 40 × 10⁻²⁻। इसको सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा 25 rad/s². ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, टू डिस्क्स, इम्पॉर्टेंट सवाल है, टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क विद एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। ठीक है, दोनों डिस्क हैं तो ओमेगा वन और ओमेगा टू से रोटेट कर रही हैं। दे आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ इनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज, तो इसके लिए तो मुझे एक अलग से पेपर लेना ही पड़ेगा क्योंकि एक लंबा सवाल होने वाला है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। अगर हम शुरुआती सिचुएशंस देखें तो हमारे पास एक डिस्क है इस तरह से और एक मेरे पास दूसरी डिस्क है इस तरह से। इन दोनों का पास सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो आई वन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू है और आई वन इक्वल्स टू आई टू है। एक तो ये कंडीशन गिवन है। ये ओमेगा वन है, ये ओमेगा टू से घूम रहा है। कहता है कि बाद में क्या हुआ, ये इनिशियल सिचुएशंस हैं इसकी, बाद में क्या हुआ कि बाद में ये सिचुएशंस हो गई हैं कि दोनों ही एक साथ ऐसे रख दी गई हैं। जब दोनों एक साथ रखेंगे तो ये किसी एक अब कॉमन ओमेगा डैश से घूमेंगे, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कि पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जब इनको कंबाइन कर दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो दोनों में डिफरेंस फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। ठीक, देखते हैं कैसे। तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट की है वो तो लिखी जाएगी 1/2 आई वन ओमेगा वन स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेकेंड की लिखी जाएगी 1/2 आई टू ओमेगा टू स्क्वायर। लेकिन इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो के रोटेशनल इनिशियल दोनों को ऐड कर देंगे 1/2 आई वन ओमेगा वन स्क्वायर प्लस 1/2 आई टू ओमेगा टू स्क्वायर। सॉल्व करने पे क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके सेम है तो 1/2 आई ऐसे ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर, इस तरह से आ गया इनका के रोटेशनल इनिशियल ऐसे। ठीक, अब क्या करना है मुझे, अब देखो कि अब इनके एंगुलर मोमेंटम पे चलते हैं कि इसका एल वन जो था वो था आई वन ओमेगा वन, एल टू जो था वो था आई टू ओमेगा टू, तो बाद में ये जो कंबाइंड होगा वो कितना होगा, वो होना चाहिए एल वन प्लस एल टू। आसानी से रख दिया गया, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब इनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो देखो यहाँ से क्या बैठ सकता है, यहाँ से आएगा फिर आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू और कॉमन ओमेगा या ओमेगा डैश, इस तरह से। ठीक, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया एल वन प्लस एल टू इज इक्वल टू एल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से ओमेगा डैश मुझे कैलकुलेट करना है, ओमेगा डैश कैलकुलेट हो जाएगा मेरे से ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइडेड बाई टू, ये आ जाएगा ओमेगा डैश, क्योंकि आई वन इक्वल्स टू आई टू जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं, थर्ड इक्वेशन के रोटेशन की, के रोटेशन आफ्टर, तो उसको डैश लिख रहा हूँ मैं सिस्टम का, जब ये कंबाइन हो गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम और ओमेगा डैश स्क्वायर लिखा जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है दोनों का, आई है, तो ये टू टाइम्स ऑफ आई हो गया, और ओमेगा डैश कितना आया है, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइडेड बाई टू, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। ये के डैश रोटेशन, ये वो इक्वेशन है जब दोनों क्या हो गए हैं, कंबाइन कर लिए गए, ये टू से ये टू कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास आई बाई फोर ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू का स्क्वायर।
सो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। क्वेश्चन नंबर 636 चल रहा है, तो अब लॉस हमें ढूंढना है कि लॉस कितना हुआ इस क्वेश्चन में, कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ देखते हैं कि ओ ओ ओ तो यही जूम हो रहा है। ओके, ऑल राइट, अब मैं लॉस इज समथिंग रॉन्ग, तो लॉस देखता हूँ, तो मैं ऐसा करूँगा के डैश रोटेशन माइनस के काइनेटिक एनर्जी बिफोर, या इनिशियल जो लिखी थी ना हमने रोटेशनल की, रोटेशनल इनिशियल, ये आ जाएगा के लॉस इस तरह से। अब के रोटेशनल कितना है, आई बाय फोर ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू का स्क्वायर, माइनस क्या करना है आई बाय टू ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर, ऐसा। इसको जब हम यूज़ करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ओमेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, तो ये आपके सामने इक्वेशन बन जाएगी बड़ी प्यारी सी, नेगेटिव ऑफ आई बाय फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, और ये जो एक्सप्रेशन आपको ऑप्शंस में दिखाई देगा, तो आप देखोगे ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास, कितना मास है 400 kg मास है हमारे पास, और मूविंग अराउंड द अर्थ इन रेडियस दिस। सो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि एक सैटेलाइट है जिसका मास है 400 kg, और यहाँ कहीं अर्थ है, ठीक, और उसका रेडियस भी आपको दे रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम किस कैसे लिखा जाएगा, एम वी आर करके लिखा जाएगा ऐसे। हालांकि ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जो वी होगा उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखा जाएगा, मास भी गिवन है रेडियस भी गिवन है, बस ऑर्बिटल वेलोसिटी जिस बच्चे के माइंड में ये क्लिक कर जाएगा कि यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर, और अब आपको जी की वैल्यू भी याद होनी चाहिए जो कि है 6.67 इंटू 10^-11 SI यूनिट्स, और मास ऑफ अर्थ भी याद होना चाहिए 6 × 10^24 kg ऐसे। रेडियस गिवन है, मास गिवन है आपको, तो हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, ये होगा 400 अंडर रूट ऑफ 6.67 इंटू 10^-11, मास होगा 6 × 10^24 डिवाइडेड बाय आर, रेडियस आपको गिवन है 4 × 10^7, ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा फिर 4 × 10^7 से। ठीक, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आई थिंक इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 हमें कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क, कौन सी डिस्क, एनुलर डिस्क। बहुत सारे टीचर्स आपको ये फॉर्मूला याद करवाते होंगे, तो आज उसका ज़रूरत पड़ गई है। एनुलर डिस्क ऑफ मास, कितना मास है 100 ग्राम, हैविंग इनर रेडियस 10 cm एंड आउटर रेडियस दिस मच। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो एनुलर डिस्क कुछ इस तरह की होती है, जैसे ये एक हो गया और एक ये हो गया, तो इसको एनुलर डिस्क कहते हैं ऐसे, कि इसका जो बीच ये वाला एरिया होता है प्रेजेंट, और बीच से ये खाली होती है, ये एरिया इसमें प्रेजेंट होता है।
इसका इनर रेडियस आपको आर वन भी गिवन है, इसका आउटर रेडियस आपको आर टू भी गिवन है, और इसका मास भी गिवन है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बैठता है वो है एम बाई टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। चलिए मास कितना हो गया 100 ग्राम, ग्राम को क्या लिखा जाएगा 10^-3 डिवाइडेड बाई 2 आर वन। आर वन मैं लिख लूँगा अगर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लिख देते हैं, प्लस फिर 20 × 10^-2 ऐसे। सॉल्व करें अगर इसको, ये आ जाएगा 50 × 10^-3 एंड दिस इज 30 × 10^-2। ठीक, अब ये देखो ये दो ज़ीरो एक और ये दो ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा 3 × 5 = 15 × 10^-3। यस, तो इसका ऑप्शन कौन सा आया फिर, समथिंग इज़ रॉन्ग। 2 से 15 ये भी सही है, रेडियस का स्क्वायर किया मैंने, रेडियस का स्क्वायर नहीं किया, ये गलती हो गई, या मैंने रेडियस के स्क्वायर नहीं किए हैं ऐसे, तो इनका स्क्वायर करना था, इसका भी स्क्वायर करना था। तो जब मैं इनके स्क्वायर करूँगा तो ये तो हो जाएगा 50 × 10^-3 और 10 का ये आ जाना चाहिए 100 प्लस 2 × 400 एंड 10^-4 इस तरह से। सो 50 × 10^-3 एंड दिस इज़ 500 × 10^-4 कुछ ऐसा। अब आप देख सकते हो कि ये 2 0 1 0 3 0 और ये 3 0 कैंसिल हो गए, 5 5 = 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा × 10^-4, सो इट इज़ 2.5 × 10^-3। सो दिस इज़ अवर ऑप्शन नंबर 1, ये आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या क्या डाटा गिवन है, कहता है 3 ऑब्जेक्ट्स, एक सॉलिड स्फीयर है, एक थिन सर्कुलर डिस्क है और एक थिन सर्कुलर रिंग है। ईच हैव द सेम मास एंड रेडियस, दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड अबाउट देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा रेस्ट पे लाने के लिए, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद रखनी है, और क्या होगा वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए हम चलेंगे कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और सारे लास्ट पे जाके रेस्ट पे आ रहे हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर ये सिर्फ यहीं पर रह जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से रह जाएगा। एंगुलर स्पीड तो सबकी सेम है ना, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है। तो अब देखते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एंगुलर स्पीड अगर सेम है तो वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज़्यादा होगा वर्क डन उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका वर्क डन कम होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा किसका कम होता है तो वो भी देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए रेशो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी रेशो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी, जब मैं इनको देखूँगा तो ए के लिए तो सॉलिड स्फीयर है वो आ जाएगा 2/5 mr², फिर रेशो, फिर बी के लिए सर्कुलर डिस्क है वो आ जाएगा 1/2 mr², और सी के लिए है सिंपल रिंग वो सिंपल आएगा mr², तो ये आ जाएगा 2/5 ratio 1/2 ratio 1 कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ ये आ जाएगा 0.4 ratio 0.5 ratio 1। तो आप देखो WC सबसे ज़्यादा है, WC के कॉरस्पॉन्डिंग, तो WC इज़ ग्रेटर देन, उसके बाद WB आएगा और सबसे कम कौन है WA है,
दैट इज़ 0.4 डब्ल्यू ए है, ऐसे इस तरह से। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 40। चलिए 41 देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ द फोर्स, ये आपको फोर्स वेक्टर गिवन है, एट दिस अबाउट द पॉइंट दिस। तो ये जो पॉइंट है ना अबाउट द पॉइंट, ये एक किस्म से उन्होंने ओरिजिन की तरह इसको माना गया है ना, कि जैसे हमारे पास कुछ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये अबाउट पॉइंट ए हो गया और ये कोई बी पॉइंट हो गया, और बी पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है एफ, तो आपको इस तरह से ए पॉइंट जो हो गया वो हो गया फॉर एग्जांपल 2 -2 -2 और ये हो गया 2, 0, -3 इस तरह से हो गया। तो ए पॉइंट के अबाउट बताना है कि बी पॉइंट पे कितनी टॉर्क एक्ट कर रही है। तो इसका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएंगे हम, वो बी माइनस ए होगा। तो बी माइनस ए होगा तो कैसे लिखा जाएगा, 2 -2 है ना आई कैप, तो 2 - 2 आई कैप प्लस फिर -2 -0 जे कैप, फिर क्या होगा -2 -3 के कैप, कुछ इस तरह से। सो डेल्टा आर कम्स आउट टू बी 0 आई कैप -2 जे कैप एंड दिस इज +3 - 2 इज इक्वल टू प्लस के कैप, यह आएगा हमारे पास डेल्टा आर वेक्टर। दिस माइनस दिस दिस वेक्टर, सो इट इज सेइंग द मूवमेंट ऑफ द फोर्स एट, फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास या तो द मोमेंट ऑफ द फोर्स एट, फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है तो, लेकिन मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट निकालनी है हमें, फोर्स यहाँ लग रही है इस पॉइंट के अबाउट निकालनी है इज गिवन बाय, तो आई थिंक इसका अपोजिट होना चाहिए। एक बार सॉल्व करके देखते हैं ये क्या आता है, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, अगर थोड़ी स्पेस बनाते हैं तो या ये आ गया, और फोर्स वेक्टर कितना है मेरे पास, फोर्स वेक्टर ये है फोर्स वेक्टर, सो ये हो जाएगा टॉर्क जो होगा ना, तो टॉर्क तो लिखा जाएगा डेल्टा आर इंटू एफ ऐसे। अब डेल्टा आर मेरे पास आ गया है 0 आई कैप -2 जे कैप +1 के कैप, और फोर्स मेरे पास है 4 आई कैप +5 जे कैप -6 के कैप, तो टॉर्क हो जाएगा मेरे पास डेल्टा आर दैट इज 0 आई कैप -2 जे कैप +1 के कैप मल्टीप्लाई फोर्स वेक्टर 4 आई कैप +5 जे कैप -6 के कैप, इस तरह से। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ आई जे के 0 -2 1 4 5 -6, तो देखो कितना होना चाहिए, आई है तो ये हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 12 -5 देन माइनस जे, तो ये हो जाएगा माइनस जे देन इट इज -6 सॉरी इट इज 0 -4 प्लस के इट इज अगेन 0 -8। तो देखते हैं इट इज 7 आई कैप या देन +4 जे कैप एंड +8 के कैप, इज देर एनी ऑप्शन,
सेवन आई कैप सेवन आई कैप फोर जी कैप एट के कैप देर इज ऑप्शन नंबर फोर बट विद ऑल द नेगेटिव साइंस इट मीन्स दैट वी हैव डन सम मिस्टेक हियर. सो आपको जब डेल्टा आर कैलकुलेट करना होगा तो आप उनका बी माइनस ए माइनस बी कर लेंगे, आर ए माइनस आर बी, इस तरह से फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर. ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42. ए सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड. ओके, द रेडियस इंक्रीज हो रहा है उसका, बट उसका मास सेम रह रहा है, सॉलिड स्फीयर है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज विल रिमेन द कॉन्स्टेंट. तो अगेन देखो, उसका मास सेम रह रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, बट देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. सो नो एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क, अब कोई नहीं है तो टॉर्क की वैल्यू इसका मतलब जीरो है, तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा इसका कांस्टेंट. अब एल कांस्टेंट हो जाएगा तो ये वाला हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा. 43. ए सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन. ओके, इन रोलिंग मोशन ए बॉडी पजेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी साइमल्टेनियसली. द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है. करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 43 जो है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 देखो, जो ट्रांसलेशनल होगी वो तो होगी सिंपल सी एम वी स्क्वायर, और जो टोटल होगी वो क्या होगी, 1/2 एम वी स्क्वायर 1+k² / r² और सॉलिड स्फीयर के लिए k² / r² कितना हो जाएगा, 2/5. ठीक, तो आप जब इनको पुट करोगे दैट इज k ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय k टोटल, इट इज़ 1/2 एम वी स्क्वायर, इट इज़ 1/2 एम वी स्क्वायर 1+2/5 ऐसे. तो ये टर्म्स तो कैंसिल होगी, 1/7/5 इट इज़ 5/7. सो ये आपके पास आंसर आ गया 5/7, ये वाला सेकंड ऑप्शन. 44 देखते हैं. ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg, डिस्क है हमारे पास ना, डिस्क है, रोल ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर. ठीक है, इट्स सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड दिस मच, हाउ मच वर्क नीडेड टू स्टॉप इट. अगेन स्टॉप पे आ गया क्वेश्चन, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे यूज करेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनली तो बॉडी रुक रही है, जब फाइनली बॉडी रुक रही है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो हो जाएगी. तो क्वेश्चन नंबर मैं 44 देखता हूँ, तो यहाँ पर वर्क रिक्वायर्ड होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बारी होगी यहाँ पर, इनिशियल, क्योंकि फाइनल तो जीरो है, और वो इनिशियली कितनी है मेरे पास, 1/2 एम वी स्क्वायर रोटेशनल सॉरी ट्रांसलेशनल, और 1/2 ओमेगा² हो गई मेरे पास रोटेशनल पार्ट. जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ है ना, या फिर मैं ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, 1/2 एम वी स्क्वायर 1+k² / r² ये वाला फॉर्मूला. एक डिस्क है ना मेरे पास, ये डिस्क, डिस्क के लिए k² / r² तो हो जाएगा 1/2, सो दिस इज 1/2 एम वी स्क्वायर 1+1/2, सो इट्स कम्स आउट टू बी 3/4, या इट इज 3/4 एम वी स्क्वायर. तो ये तो हो गया मेरे पास वर्क डन का यहाँ पर सिचुएशन. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे अगर 3/4, मास है मेरे पास 2 kg और वेलोसिटी है मेरे पास, सॉरी 3/4 मास है मेरे पास, व्हाट्स द मास,
हंड्रेड हंड्रेड एंड वेलोसिटी इज 20 सेंटीमीटर. सो 20 सेंटीमीटर को मीटर में ऐसे, अब मीटर पर सेकंड हो गया ये. अब देखो कि ये दो ज़ीरो और ये दो ज़ीरो कैंसिल हो गए और फोर वन ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा 20, सो ये आ गया 15, फाइव थ्री ज़ा 15. वन बाई टू एम वी स्क्वायर, ओ मैंने वी का स्क्वायर नहीं किया इसलिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था. एम वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू 20 इंटू 10^-2 स्क्वायर. नाउ वी कैन, दिस इज 3/4 इंटू 100 इंटू दिस इज 2^4 0 इंटू 10^-4. नाउ ट्राई टू सॉल्व. ये चार जीरो, दो जीरो और दो जीरो, चार जीरो ये गए, फोर से फोर कैंसिल हो गया, 3 जूल आपका आंसर आना चाहिए. दिस इज योर आंसर, 3 जूल. 3 जूल ऑप्शन फर्स्ट. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 45. इस सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर डिस्क की तरह बिहेव करेगा. ऑफ मास एंड रेडियस रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ दिस, दिस इज द रेट ऑफ सॉलिड सिलेंडर. ओके, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास और किस रेट से चल रहा है, 3 राउंड पर मिनट. तो ये जो है यहाँ पर 3 राउंड्स पर मिनट्स, तो ओमेगा इनिशियल कितना हो जाएगा मेरे पास, ये जो है ना 3 RPM, तो 3 रेवोल्यूशन के लिए लिखा जाएगा 2π और मिनट्स के लिए लिखा जाएगा 60 सेकंड्स, है ना, पर मिनट्स, है ना, और ये हो जाएंगे रेडियन पर सेकंड्स में आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 3 × 6/60 π/10 रेडियन पर सेकंड, ये आ गया. और क्या कहता है, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2π रेवोल्यूशन, 2π रेवोल्यूशन. तो कितना उसने थीटा कितना रोटेट किया, 2π रेवोल्यूशन ऐसे. तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 2π, एक रेवोल्यूशन में कितने कितना एंगल होता है, 2π होता है. तो ये हो जाएगा 4π² रेडियन. ठीक, एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास. अब अगेन वर्क एनर्जी हम यूज़ करेंगे अगर, तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा दैट इज़ इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल 1/2 I, और ये लिखा जाएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर. ठीक, फाइनल ओमेगा फाइनल कॉरेस्पॉन्ड्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अब ओमेगा इनिशियल तो पता है और ये फाइनली स्टॉप हो रहा है, तो ओमेगा फाइनल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अब यही जो वर्क है, वर्क को क्या लिखा जाएगा, स्टॉप हो रहा है, तो ये इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन होना चाहिए ना, स्टॉप हो रहा, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये टॉर्क मल्टीप्लाई थीटा एंगल, इस तरह से ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा. देन 1/2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा, डिस्क की तरह होगा, mr² की तरह होगा ऐसा. और ये होगा फाइनल 0 और इनिशियल वैल्यू मेरे पास कितनी थी, इनिशियल वैल्यू थी π/10 इसका स्क्वायर. इसको हमें सॉल्व करना है. जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 3 × 6 या, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 10^-6 न्यूटन मीटर. ये आंसर नेगेटिव आएगा ना, या ये आंसर नेगेटिव आएगा. तो नेगेटिव साइन का सिंपल सा मीनिंग होगा कि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा था या नेगेटिव वर्क डन हो रहा था, जिसके कारण उसकी स्पीड स्लो हो रही थी, है ना, रोक रहा था. जैसे फ्रिक्शन जो है वो वर्क डन नेगेटिव करती है, तो मोशन स्टॉप हो रहा होता है, मोशन डिक्रीज हो रहा होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द रोटेशनल मोशन विच इज़ इंक्लूडेड 45 न्यूमेरिकल्स. काफ़ी लंबी वीडियो बनी होगी, बट आप हिम्मत मत हारिए, यही 45 न्यूमेरिकल्स आपको डॉक्टर बनवा सकते हैं, है ना. जो भी इसमें से 2-3 आप देख रहे होंगे कि नीट में एक रेगुलर ट्रेंड बना हुआ है कि 2 या 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर 2019 में 1, 2, 2018 में 1, 2, 3 सवाल आए हुए हैं, है ना, 4 आए हुए हैं, राइट.
फिर उसके बाद नीट में 17 में देखो, 1, 2, 3 आए हुए हैं। तो 12 से 14, 16 नंबर का ये चैप्टर है, तो इस पर मेहनत करनी है। और कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, जितना रोलिंग रोटेशन पे आप वो सोचते रहते हो, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, टॉर्क कैसे निकालते हैं, है ना, इनकी बेसिक सी इक्वेशंस। और रोलिंग पे तो देखो कुछ है ही नहीं है, रोलिंग पे तो सिंपल्स क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यूज़ याद रखो, क्या क्या होती हैं किस किस सब्जेक्ट्स के लिए, तो ये एक आसान बन जाएगा आपके लिए। ओके, मिलते हैं अब चैप्टर थर्ड में, डेट थर्ड, ये डे सेकंड था है ना आपके कोर्स का, इस क्रैश कोर्स का। फिर से कह रहा हूँ, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूरी करना है, बहुत मेहनत लग रही है इनको बनाने में, अपलोड करने में, सारा कंटेंट तैयार करने में, तो इसलिए आपका एक आपकी तरफ से सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करना है इसको। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।